माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, माताजी आपका महान नीच परम, माताजी ओ बेटा जा अब चैन से राज कर, तेरे हम की तो तुम है सुना। माता मेरे पले से आँख मत लगाओ, मेरे तो कूटे भाग है जो उस पापी के गर्भ से पैदा हुआ। आप जो भी दोष लगाए
मुझे स्वीकार है माँ, आप केवल मौत ही इस शरीर को शांति दे सकती है। ऐ मौत, अब तू ही मुझे अपनी कोख में स्थान दे। ए परमेश्वर, मुझे अब कोख दे, बाकी तो सच मेरे शत्रु बन गए हैं, मगर तू तो मेरा साथ दे पिताजी। पिताजी मेरे लाल, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो व्यर्थ ही कटु वचन कह दिए, तेरे कोमल वन को दिखा दिया। मैंने भावेश में कुछ न सोचकर तुझ पर व्यर्थ ही अभियोग लगाया। इधर बैठो बेटा और मुझे ना कहकर पुकारो, ताकि मेरे मन को भी शांति मिल सके। बस माता जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तो जिंदगी की चाय समाप्त हो गई है। जब मेरे पिताजी न रहे और न साईं राम यहाँ है, तो मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ जाने का विचार? गुरु जी, अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भाई राम को यहां बुलाकर उनका राज्याभिषेक कर दूं और उनकी जगह मैं स्वयं जाकर वनों में 14 वर्ष रहूं। तुम धन्य हो बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे आपके चलने से प्रसन्नता हुई।